सबसे हॉट क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक बच्चे पूछते हैं, आईएलटीएस एंड पीटी में क्या डिफरेंस है, उनको आईएलटीएस करना चाहिए या पीटी करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, पीटीई बहुत इजी है, बहुत फास्ट है। पीटी आपका चलेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, यूके के लिए, यूएस के लिए। पीटीई इज कंप्यूटराइज्ड, पीटी कंप्यूटराइज्ड है, जबकि आईएलटीएस आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है। IELTS is best option अगर आप कनाडा की स्टडी के लिए देख रहे हैं, दो स्टडी वीजा कनाडा के लिए पीटी भी एक्सेप्टेबल है, बट IELTS के साथ आपकी STS फाइल लगती है, जिसका रेट ऑफ रिव्यूअल अच्छा होता है। वर्क वीजा, स्किल माइग्रेशन दोनों अगर आप कनाडा की प्लान कर रहे हैं, तब भी आप IELTS ही करेंगे। न्यू विमेन इंटरनेशनल आपका मैनुअल स्कोरिंग है, कोई इंसान आपको नंबर दे रहा है, ग्रेडिंग कर रहा है, बट पीटी में क्या है, रोबोटिक स्कोरिंग है, AI स्कोरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको मिलता है। रिजल्ट जो है पीटी में बहुत फास्ट है, एकदम साथ की साथ, विद इन जस्ट एक दो, लाइक वन और टू आवर्स, सो इट्स वेरी वेरी फास्ट। फास्ट टू पीटी, IELTS में आपका स्कोर आता है 13 डेज में। सो मान लो आपका स्कोर नहीं ठीक आया, तो आपको उसके बाद पेपर फिल करना है, जबकि पीटी में इन केस आपका नहीं स्कोर ठीक आता है, यू कैन फिल योर एग्जाम द नेक्स्ट मोमेंट। मॉड्यूल्स आर इंटर रिलेटेड इन पीटी, इंटर रिलेटेड मतलब चीजें आपस में एंगेज है, इंटीग्रेटेड है। कुछ टास्क ऐसे हैं जिनको करने से आपको दो मॉड्यूल्स में नंबर मिलता है, जैसे रीड अलाउड से स्पीकिंग एंड रीडिंग दोनों में नंबर मिलता है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन करने से लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों में नंबर मिलता है। सो अगेन देयर इज एडवांटेज ओवर IELTS। फॉर मोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काइंडली फॉलो आवर पेज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स, कॉल द बिलो मेंशन नंबर। थैंक यू।